नमस्ते दोस्तों, निगम क्यूजिन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी चुकंदर की सब्जी। चुकंदर में से कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और ये एक फैट फ्री वेजिटेबल है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चुकंदर में बीटिन नाम का तत्व होता है जो कैंसर और ट्यूमर होने की संभावना को नष्ट करता है और बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर हम रोजाना चुकंदर का सेवन करें तो वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है और कब्ज की समस्या भी दूर होती है। उसमें से विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जिन लोगों की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो उन्हें रोजाना चुकंदर खाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को चुकंदर का स्वाद अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज हम चुकंदर में से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं। चुकंदर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम फ्रेश चुकंदर को पानी से अच्छे से धो लिया था। बाद में उसका छिलका उतार के उसे मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है। चुकंदर की सब्जी बनाने के लिए गैस पर एक बर्तन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है। जब भी आप ये सब्जी बनाओ तब तेल का उपयोग ज्यादा ना करें। तेल थोड़ा गर्म हो फिर उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई ऐड करें। राई और जीरा दोनों ऐड करने से सब्जी में उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। राई और जीरा गरम तेल में अच्छे से चिटकने लगा है। अब हम उसमें 4 से 5 फ्रेश कड़ी पत्ते और 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च को मैंने मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया था। उसमें 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए चला लेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। अब हमने जो चुकंदर काट के रखा था वो उसमें ऐड करेंगे। 250 ग्राम मीडियम साइज में कटा हुआ फ्रेश चुकंदर हमने लिया है। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो चुकंदर के ऊपर कोट हो जाए। इस सब्जी में हमें पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो काली मिर्च पाउडर आप स्कीप कर सकते हो और स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसाले चुकंदर के ऊपर कोट हो गए हैं। ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक उसे कुक करेंगे। 7 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि हमने तो बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन चुकंदर के अंदर जूस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो सब जूस बाहर रिलीज हुआ है। अभी भी चुकंदर थोड़ा कच्चा है तो फिर से ढक्कन लगाकर उसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। चुकंदर अच्छे से कुक हो गया है। ये सब्जी बनाने में 12 से 15 मिनट का समय लगता है। अब हम उसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब टूथपिक की मदद से चेक करेंगे।
चुकंदर प्रॉपर तरीके से कुक हो गया है। नींबू के रस की जगह आप उसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब हम उसमें एक चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। गर्मा गर्म स्वादिष्ट चुकंदर की सब्जी तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे और तैयार सब्जी को सर्व करेंगे। देखते ही मुंह में पानी आ जाए वैसी चुकंदर की स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। ऊपर से थोड़ा डेजिकेटेड कोकोनट डालकर उसे गार्निश किया है। इस सब्जी को हम चपाती, पराठे या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो आप भी ये चुकंदर की सब्जी घर पर अवश्य बनाएं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे रेसिपी वीडियोस गुजराती में देखना चाहते हैं तो हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल निगम ठक्कर रेसिपीज सब्सक्राइब करें। इसी तरह सरल और सात्विक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।